जिससे वो ज्यादा खून करवाएं, ज्यादा आगजनी करवाएं और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी लाशों के ढेर लगवा दें। ऐसा नहीं हो सकता, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा। जब तक हम जैसे लोग इस हिंदुस्तान में जिंदा है, हिंसा आदरणीय मोदी जी, आपके प्यारे प्यारे उग्रवाद फैलाने वाले मंत्रियों की देन है। और इसमें सबसे बड़ा गुनहगार अगर मैं किसी को मानता हूँ तो शाहजी को मानता हूँ। क्यों? बोले शाहजी के अंडर में है और शाहजी ने ही ये सब कुछ काम कराया है। शाहजी अब आप मेरे को भी फांसी के फंदे पर लटका दो, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ आपके खिलाफ, सच बोल रहा हूँ। और सच बोलने वाला आपका दुश्मन होता है और देश में खून खराबा करने वाला आपका चहेता होता है। आदरणीय शाहजी, जो आपने कहा है कि हम ये नहीं कहते हैं कि हिंदुस्तान से हिंदुस्तान का मुसलमान बाहर चला जाए, याद रखो शाहजी, पूरी दुनिया के किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है, किसी इंसान की इतनी औकात नहीं है जो हिंदुस्तान के मुसलमान से ये कह सके कि तुम हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ। मोदी जी, आप ट्रंप की चमचागिरी करते हुए जो ताजमहल ट्रंप को दिखा रहे थे, वो ताजमहल मेरे बाप दादा ने या आपके बाप दादा ने नहीं बनाया, वो ताजमहल भी नहीं मुसलमानों के बाप दादा ने बनाया है। मोदी जी, ताजमहल हिंदुस्तान की शान है तो ये मुसलमान भी हिंदुस्तान की शान है, ये मुसलमान हिंदुस्तान की शान है। आदरणीय मोदी जी, जिस लाल किले पर खड़े होकर शान से तिरंगा फहराया जाता है, वो लाल किला आपके या मेरे बाप दादा ने ही बनाया, वो लाल किला भी मुसलमानों के बाप दादा ने बनाया है। इसलिए हिंदुस्तान में आज जो विदेशी दौलत आती है, इतना पर्यटक आता है, वो सब कुछ इतनी कमाई का देन इन्हीं मुसलमानों के पुरखों के द्वारा हुई है। आज इन्हीं मुसलमानों के बाप दादा ने हिंदुस्तान का बोल दिया है कि पूरी दुनिया का इंसान हिंदुस्तान में पर्यटक बन के आता है। इसलिए इस मुसलमान की अहमियत को आप नहीं समझते। मैं बताऊंगा आपको कि मुसलमान वो चमकता हुआ सूरज है जिसकी रोशनी में पूरा हिंदुस्तान चमक रहा है। आदरणीय मोदी जी और शाहजी, आप इन्हीं मुसलमानों से कागज मांगते हैं, आपने हमको यानी कि ईसाइयों को अपने गले लगा लिया, आपने सिखों को अपने गले लगा लिया, आखिर मैं पूछता हूँ आपने इन मुसलमानों के साथ दोगला सलूक क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? जो सलूक आपने हम ईसाइयों के साथ किया, हमारे सिख भाइयों के साथ किया, वही सलूक आपको इन मुसलमान भाइयों के साथ करना था और करना पड़ेगा, 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 करना पड़ेगा। इसका कारण है मोदी जी और शाह जी, हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर रहते आए हैं, मिलकर रह रहे हैं और मिलकर ही रहेंगे, 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 हम मिलकर ही रहेंगे। हम धर्म के नाम पर देश में नफरत की दीवारें खड़ी नहीं होने देंगे। आदरणीय शाहजी, आप कहते हैं, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, शाहजी आपके डंके की चोट से मेरे डंके की चोट लाखों गुनी ज्यादा तेज है। क्यों? आपके डंके से नफरत की आवाज निकलती है और मेरे डंके की चोर से मेरे डंके से मोहब्बत की आवाज निकलती है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मोहब्बत के साथ देश में रहते हैं और मोहब्बत के साथ देश में रहेंगे। और आदरणीय मोदी जी, आपके बेशर्म बेहया बदतमीज बेबूदे मंत्री जो भाषा बोलते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की नाक कटा दी। वो कहते हैं कि हम बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है ऐसी भाषा बोलने वाले पर। आदरणीय मोदी जी, पूरी दुनिया से किसी भी देश से कोई बहन बेटी हमारे देश में आती है, वो हमारी अपनी बहन बेटी होती है। हम उसका सम्मान अपनी बहन और अपनी बेटी की तरह करते हैं, परंतु आपके मंत्री जो भाषा बोलते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है। इन्हें समझाओ, जो ऐसी भाषा बोलते हैं आप उन पर संवैधानिक कार्रवाई नहीं करते बल्कि उन्हें सुरक्षा देते हैं। क्या कारण है कि हिंदुस्तान में बहता हुआ खून और जलते हुए मकान, जलती हुई दुकानें, जलते हुए गोदाम और मरते हुए इंसान आपको मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं?
आप इनको डांटते क्यों नहीं? आप इनके साथ संविधान कार्रवाई करके इनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजते, बल्कि और उनको सुरक्षा देते हैं जिससे वो ज्यादा खून करवाएं, ज्यादा आगजनी करवाएं और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी लाशों के ढेर लगवा दें। ऐसा नहीं हो सकता, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा। जब तक हम जैसे लोग इस हिंदुस्तान में जिंदा हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर हिंदुस्तान को उन्नति की ओर ले जाएंगे और नफरत हम हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। बीजेपी मंत्री लगातार गोबर, गाय गोबर और मूत्र की चर्चा कर रहा है कि इससे कोरोना वायरस जो है वो दूर चला जाएगा। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? वो लगातार शाहीन बाग का भी जिक्र कर रहे हैं, शाहीन बाग में जो है कोरोना फैलेगा, गाय गोबर मुसलमानों को लगातार टारगेट करके कह रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देख पा रहे हैं? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना हकीम ना वैद हूँ, इसलिए मैं गाय के गोबर से क्या लाभ है मुझे पूरे लाभ नहीं मालूम और ना गाय मूत्र से जो लाभ होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस विषय में कुछ नहीं बोलूंगा। दिल्ली हिंसा को आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये कहा दिल्ली हिंसा। आदरणीय मोदी जी, आपके प्यारे प्यारे उग्रवाद फैलाने वाले मंत्रियों की देन है और इसमें सबसे बड़ा गुनहगार अगर मैं किसी को मानता हूँ तो शाहजी को मानता हूँ। क्यों? बोले शाहजी के अंडर में है और शाहजी ने ही ये सब कुछ काम कराया है। शाहजी, अब आप मेरे को भी फांसी के फंदे पर लटका दो, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ आपके खिलाफ, सच बोल रहा हूँ और सच बोलने वाला आपका दुश्मन होता है और देश में खून खराबा कराने वाला आपका चहेता होता है। उन्होंने जिक्र किया राज्यसभा में कि 300 जो लोग बाहर से आए थे उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन वो ये नहीं बताने कि 300 लोग कौन थे और कहां से आए, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये लोग हमेशा आधी बात करते हैं। एनडीटीवी इंडिया के रवीश जी, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, क्यों? क्यों वो सच बोलते हैं। उन्होंने कहा था आदरणीय मोदी जी और आदरणीय शाह जी हमेशा हर बात को घुमा फिरा कर करते हैं और आधा करते हैं, आधा उसमें से गायब कर देते हैं, इसलिए इनकी आधी अधूरी बातों पर अब मैं क्या कहूँ, जब पूरी बात करेंगे मैं इसका पूरा जवाब दूंगा। सुधीर चौधरी को अपना आदर्श नहीं मानते हैं? उसके बारे में बढ़ने तो करोड़ ने क्या करा। सुधीर चौधरी ने जिक्र किया कि जो है दंगा जो है हिंसा जो हुई उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा जो है योगदान था उसमें भड़काने में, तो आप उसको किस तरह से जानते हैं? आदरणीय मोदी जी, आप झूठे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। अगर आप सच्चे होते तो आज हिंदुस्तान के हर गरीब इंसान के खाते में 15 लाख रुपए आ गए होते। जैसे आप देश के झूठे प्रधानमंत्री हैं, उसी तरह से आपके सारे मंत्री झूठ बोलकर देश में औरों पर आरोप लगाते रहते हैं, ये सरासर गलत आरोप है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पे जहाँ प्रोटेस्ट लगातार चल रहा था एनआरपी एनसीआर को लेकर, वहाँ पर बैन लगा दी कि ये कोरोना वायरस जो है इसे फैल जाएगा, इसलिए वहाँ पर बैन लगाई। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही बात है ये? हाँ, मैं इस बात का सम्मान करता हूँ और आपने शाहीन बाग में देखा होगा हमने तख्त कितने दूर दूर कर दिए हैं, कितने दूर दूर तख्त कर दिए हैं। पहले जितनी भीड़ जितना क्षेत्रफल में खड़ी होती थी, हमने भीड़ उतनी है, क्षेत्रफल हमने बढ़ा के 3 गुना ज़्यादा कर दिया है जिससे सब दूर दूर खड़े हों। वो तो केवल मीडिया के आने के बाद में ऐसा लगता है कि लोग पास पास खड़े हैं और नहीं, वरना सब लोग दूर दूर खड़े होते हैं, या कोई किसी से हाथ नहीं मिलाता है और या बार बार हाथ धोए जाते हैं, उस बात का ख्याल रखा जाता है। अगर किसी के सिर में दर्द है तो वो यह नहीं आता है, बुखार है तो नहीं आता है, जुकाम है तो नहीं आता है। कुल मिलाकर हम यही समझा रहे हैं सबको, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, चाहे वो साधारण जुकाम ही क्यों ना हो, कृपया आप इस भीड़ में ना आए और तुरंत अपने आप को जाकर डॉक्टर को दिखाएं। यहाँ पर पूरा इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। दिल्ली चुनाव होने के बावजूद, दिल्ली चुनाव होने के बाद नहीं लगता कि केजरीवाल के जो सुर है वो बदल गए हैं? वो लगातार सुंदरकांड की बात कर रहे हैं और आज उन्होंने 2-3 दिन पहले हो गया, उन्होंने कहा कि 50 लोग से ज़्यादा जो है एक साथ खड़े नहीं रह सकते हैं। तो केजरीवाल की जो एक लोग कह रहे हैं कि दोहरी नीति है, इससे आप कहाँ तक क्या महसूस करें? मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, शाहीन बाग का संबंध न किसी राजनीतिक पार्टी से था, न किसी मुख्यमंत्री से था, न किसी मंत्री से था, न है और न होगा। कोई क्या कहता है कहता रहे, शाहीन बाग को से कोई मतलब नहीं।
एक तारीख से NPR लागू होने जा रहा है, तमाम सवाल पूछे जाएंगे। अब ऐसा मालूम पड़ रहा है सूत्रों के मुताबिक कि दो तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, दो तरह के फॉर्मेट होंगे। जब लोगों से पूछे जाएंगे तो उसमें बेरोजगारी और तमाम जो अर्थव्यवस्था जैसी कोई सवाल नहीं होगा, सिर्फ उसके जन्म प्रमाण पत्र से लेने के नागरिकता से जैसे सवाल होंगे उसमें, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसमें जो बेरोजगारी का भी मसला होना चाहिए, उसमें जो तमाम अर्थव्यवस्था जैसी चीज़ उसमें वो इंक्लूड होना चाहिए, आपको नहीं लगता? हमें तो केवल इतना लगता है कि काले कानून को लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसके पहले भी बाहर से आए हुए लोगों को नागरिकता दी जाती थी, उसी प्रकार बाहर से आने वालों को नागरिकता दीजिए। इस काले कानून के विरोध में ही तो हमें डटे हुए हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जो जगह जगह शाहीन बाग खुले हुए हैं, इसका कारण एक ही है, हम कोई काला कानून चाहिए ही नहीं। हम क्यों कहेंगे 1 तारीख को आएंगे, हम तो 1 तारीख के पहले इस काले कानून को वापस कराएंगे।